Hey everyone, welcome back to our channel Hodgepodge Study. आज हम लोग बात करेंगे नोट्स मेकिंग के बारे में. नोट्स मेकिंग इन द सेंस कि नोट्स कैसे बनाया जाता है और नोट्स बनाना हमारे लिए कितना इफ़ेक्टिव है, नोट्स बनाना हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है, ये हमें कितना बेनिफिट करता है वो सब जानेंगे. और किस तरह के नोट्स ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं. अट्रैक्टिव इन द सेंस कि अट्रैक्टिव तो हमें दिखाना नहीं है, याद रहे इसलिए हम लोग नोट्स बनाते हैं. तो हमारे माइंड का एक फंडा है कि जो चीज़ जितनी अट्रैक्टिव दिखती है वो चीज़ उतनी आसानी से हमारे माइंड में डायरेक्ट घुसती है. तो ज़्यादा अट्रैक्टिव भी नहीं बनाना है, ऐसा बनाना है कि मतलब हमारे माइंड को एकदम क्यूरियोसिटी बढ़ते जाए कि ओ ये पेज में ऐसा है, अगले पेज में तो हम ऐसा बनाए हैं वो देखते हैं. तो मतलब कि आपको पढ़ाई हार्ड नहीं लगेगा, वो हार्ड बनाया जाता है. और आसान भी हम ही लोग बनाते हैं, हार्ड भी हम ही लोग बनाते हैं. तो पढ़ाई को आसान बनाने का सिंपल सा फंडा है कि नोट्स मेकिंग जो प्रोसेस है उससे आप जान जाइए. अगर नोट्स मेकिंग प्रोसेस आपको पता हो कि मतलब नोट्स कैसा बनाना चाहिए, किस तरीके का बनाना चाहिए, तो आपको याद करने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी. मतलब कि 90% तो ऐसा रहता है कि आपको नोट्स बनाते बनाते याद हो जाएगा, और फिर नहीं तो आप उसी नोट्स को बार बार देखिएगा तो याद हो जाएगा. ऐसा नहीं कि पहले नोट्स बनाना नहीं पता था तो रटते थे कि एकदम याद हो जाए, और कितना मतलब टाइम टेकिंग लगता था वो रटना. लेकिन वही है कि अब हम लोग नोट्स बनाना जानते हैं, लेकिन किस तरीके से बनाया जाए वो भी हमें जानना चाहिए, तब जाके ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा. ओके, अगर नोट्स बनाना हमें आ गया तो मीन्स याद करना तो हमें 10% ही पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं. 90% आपका नोट्स मेकिंग से ही काम चल जाएगा और उसी नोट्स को देखते ही देखते. तो स्टार्ट करते हैं. टिप नंबर 1, नोट्स मेकिंग में हमें एक चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. क्या? कि आप जब भी कोई भी चैप्टर का बना रहे हो नोट्स, तो उसमें मतलब कौन कौन सा टॉपिक आने वाला है वो कवर करना बहुत ज़रूरी होता है. आपको एग्जांपल देते हैं. वेट. ओके, ये मेरा कॉपी है, इसमें मैंने इधर ही हाल ही में एक नोट्स बनाया है. ये SST का कॉपी है, मतलब ये थोड़ा सा अलग टाइप का नोट्स है. मैं आपको और भी बहुत ही अलग अलग टाइप्स के नोट्स बताऊँगी. देखिए, जैसे कि मैंने ये नोट्स बनाया है तो इसमें सॉरी फॉर द मिरर इमेज बट ओके, बट एग्जांपल के लिए ठीक है. लाइफ साइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी है ये. इसमें मतलब मैंने क्या किया है कि जो भी चैप्टर में जो जो टॉपिक कवर होने वाले थे मैंने उसे फर्स्ट ही पेज में लिख दिया है, ताकि जो भी चैप्टर का टॉपिक है कभी भी रिवाइज करे तो देखे कि ओ ये पढ़ना है, देखते हैं पलट के. तो मीन्स वो इफ़ेक्टिव ज़्यादा होता है. ओके, एंड नोट्स बनाने के लिए हमें कौन कौन सी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है वो भी हमें जानना चाहिए. देखिए, नोट्स बनाने के लिए सबसे मेन, सबसे हेड हथियार हमारा होता है ब्लू पेन. उसके बाद हमारा सेकंड हथियार होता है ब्लैक पेन. ओके, ब्लू एंड ब्लैक पेन, ये दोनों मेन हैं. ओके, मीन्स अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको बनाना है जल्दी जल्दी नोट्स, तो आप ब्लू ब्लैक पेन जो है वो सबसे बेस्ट है आपके लिए. ओके, एंड अगर थोड़ा टाइम है और आप सोच रहे हैं कि थोड़ा सुंदर बनाएं ताकि बाद में भी हम देखें, तो हमको जल्दी जल्दी घुसे और मतलब एक मज़े तरीके से सारा चैप्टर भी पढ़ लें. ऐसा नहीं कि ब्लू ब्लैक पेन से लिखे हैं मतलब बोर्डिंग जैसा पलट रहे हैं, हाँ नोट्स बनाए हैं देखना है अभी तो सारा बाकी है, वैसा ना फीलिंग आए. तो मतलब और भी आप चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये. मैं तो इसे मतलब जब ज़्यादा टाइम रहता है तो यूज़ करती हूँ, ताकि मतलब जल्दी जल्दी मुझे याद होता जाए. मतलब ये सब कलरफुल पेन्स बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोल निभाते हैं नोट्स मेकिंग में.
मतलब ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है ना, मतलब ड्राइंग जैसा ये नहीं है कि मतलब क्रेयॉन्स लिए फिर पेंसिल कलर लिए और एकदम घिस रहे, तो वो ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। ये सब पेन ऐसे हैं कि मतलब चलाइएगा तो मस्त एकदम है, बता नहीं सकते हैं। और इसका प्रचार नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है इसीलिए बता रहे हैं कि ये ऑक्टेन का पेन है, ऑक्टेन जेल। ओके, बहुत अच्छा चलता है, इसमें ढेर सारा कलर देता है, तो आप इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। और आपको बताएं कि आपके पास, आपको लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा ये सब, इतना फाइन वर्क कहाँ कहाँ पे हम क्या करें नहीं करें क्या पता, तो इससे भी अच्छा एक और आइडिया है आपको बताते हैं। वो आइडिया क्या हो सकता है? कुछ नहीं, हमारा प्यारा वाइटनर नहीं, हाइलाइटर। ओके, मीन्स आप जितना हाइलाइटर रखिएगा उतना ही आपके लिए ये मज़ेदार होगा। मीन्स ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है, जो आपको हाइलाइट करने का मन कर रहा है लिखे लिखे और ऐसे ऐसे कर दिए, एकदम अट्रैक्टिव आपका बन जाएगा नोट्स, और मतलब ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगा। तो वाइटनर मस्त है एकदम। कुछ नहीं समझ आ रहा है आपको कि क्या नोट्स बनाए, हमको लगता है थोड़ू ना इसको ड्राइंग कंपटीशन में सबमिट करना है या कुछ, वैसा लगता है आपको कि टाइम टेकिंग है, तो कुछ मत कीजिए, ब्लू ब्लैक पेन उठाइए और हाइलाइटर अपने पास रखिए, बस आपका नोट्स मस्त बनेगा, मस्त। और हाइलाइटर को हम लोग बस समझते हैं कि बुक में हाइलाइट करने के लिए होता है, लेकिन नहीं, आप नोट्स में भी यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी यूज़ कीजिए। अच्छा यूज़ हो रहा है, फेयर यूज़ हो रहा है, तो क्यों नहीं यूज़ कर सकते। ओके, तो ये है। और फिर आपको बताएं कि थोड़ा ये सब को अगर हटाएं हम लोग, तो ये सब का भी अच्छा खासा यूज़ आ जाता है नोट्स मेकिंग में। जैसे पेंसिल, अब आप बोलिए पेंसिल क्यों, हम लोग तो पेन से लिखते हैं, पेंसिल का क्या ज़रूरत हो सकता है? तो पेंसिल का ज़रूरत हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि मतलब कहीं पे आप कुछ भी लिखे फिर आपको लग रहा है कि और थोड़ा सा होता है ना यहाँ पे लिख देते सही रहता, तो पेंसिल से आप लिखिए तो मतलब ऐसा कचरा भी नहीं लगेगा और नोट्स का नोट्स भी आपका साफ ही रह जाएगा। ऐसा नहीं कि बीच में घुसाए और मतलब पेन से लिखें फिर पेन से ऐसे लिखे तो अजीब सा दिखता है ना, तो वो नहीं लगेगा। मैंने भी ऐसा बहुत बार किया है कि मतलब लिखा है और फिर लगा कि यहाँ पे और होता तो पेंसिल से लिख देते हैं, तो उससे मतलब ज़्यादा गंदा नोट्स नहीं लगता, साफ ही लगता है और माइंड में जल्दी घुसता है। और ये स्केल कभी 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 आप यूज़ कर सकते हैं, उतना ऐसे इसका यूज़ नहीं है। ये सब आपको बता रहे हैं, ये सब सेकेंडरी चीज़ है, प्राइमरी चीज़ ब्लू ब्लैक पेन था। ओके, और फिर शॉर्पनर, पेंसिल शार्प नहीं रहेगा तो कुछ भी अच्छा से लिखाने में दिक्कत होगा, और फिर गलत उलत हुआ इरेजर रहेगा। तो मेनली आपके पास ब्लू ब्लैक पेन तो होना ही चाहिए, ये सब चीज़ें जो होते हैं कंपोनेंट्स आपको नोट्स मेकिंग के, ये सब हैं। ओके, और ये कलरफुल पेन्स। आई होप आपको पता चला होगा कि नोट्स कैसे बनाना चाहिए, और नोट्स बहुत अलग अलग तरीके से बनते हैं। मैंने आपको बताया कि आप नोट्स चाहें तो ब्लू ब्लैक पेन का ही यूज़ करके बस बना सकते हैं, नोट्स चाहें तो आप हाइलाइटर से बना सकते हैं, नोट्स चाहें तो आप कलरफुल पेन से बना सकते हैं, नोट्स चाहें तो आप पेंसिल और ब्लू ब्लैक पेन का भी यूज़ करके बना सकते हैं। तो नोट्स अलग अलग तरीके के बनते हैं। और आपको एक बात और बता दें कि आप नेट पर अगर सर्च करते हैं नोट्स, तो वो जो नोट्स है वो इफ़ेक्टिव नोट्स आपके लिए नहीं है। अब आप बोलिएगा क्यों? क्योंकि मेरा मानना है कि जो आप नेट से नोट्स बनाते हैं तो उसमें तो आपने कोई दिमाग लड़ाया नहीं, जल्दी सा देखा छाप दिया, जो लिखा हुआ छाप दिया, तो उससे वो इफ़ेक्टिव नहीं होता है। आप अगर नोट्स बनाते भी हैं मतलब नेट से देख के, तो फिर उसको पढ़िए और उसको अगर समझ जा रहे हैं उस लाइन को तो अपने सेंटेंस में लिखिए। ओके, एंड अपने सेंटेंस में लिखिए और अपने तरीके से उसको डिज़ाइन करके बनाइए। ये नहीं कि मतलब वो बीच में लिखा है हेडिंग हम भी बीच में लिखेंगे, वो यहाँ पे लिखा है तो हम भी यहीं पे लिखेंगे, नहीं, वो बीच में लिखा है तो आप थोड़ा सा इस साइड लिख दीजिए, वो यहाँ पे लिखा है तो आप अपने तरीके से लिख दीजिए। तो मतलब उससे आपका दिमाग मतलब कि उस पर ध्यान दिया है, तो
तो जल्दी याद रहेगा, ऐसे तो आप दूसरा का उतार दिया तो आपका दिमाग ध्यान नहीं देगा, ऐसे ही बुद्धू जैसा उतारते चला जाएगा और आपके दिमाग में शायद घुसे भी ना। इसीलिए मैं तो प्रीफर करती हूँ कि नोट्स जितना भी हो सके अपने दिमाग से बनाया कीजिए, ना कि दूसरों का लिखा लिखाया छाप दिए, तो उससे जल्दी घुसता नहीं है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, मीट यू सून।